गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आप क्लास फाइव में पढ़ते हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये कक्षा पाँच जवाहर नवोदय विद्यालय वाले छात्रों की जो है कि तैयारी कराई जा रही है। तो प्रवेश परीक्षा कक्षा छः में लेने के लिए आप लोग इसका जो है कि पेपर देंगे, तो उसके जो है कि तैयारी करवाया जा रहा है। तो स्टूडेंट, आज भी जो है कि हर वीडियो की तरह मैं आज भी जो है कि आपको टॉप फाइव प्रश्न लेकर आया हूँ। हर बार मैं पाँच पाँच प्रश्नों को आपको हल कराता हूँ, ताकि आपको हर एक प्रश्न देखकर समझ में आ जाए। मैं ज़्यादा प्रश्न ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहता बच्चों को, उतना ही पढ़ाना चाहता हूँ जितना कि आप लोग आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। इतना ही मतलब हम पढ़ाएंगे आपको जितना कि आपको समझ में आ जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी जो है कि अच्छे से हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाँच प्रश्न दिया है, तो इसमें से आप सबको मिलाना रहता है कि इसमें से सबसे अलग कौन है और सबसे सही कौन है। तो इन सब में देख सकते हैं कि कौन सा अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर ए, बी, सी और डी, इन सब में क्या अलग है। यहाँ पर प्रश्न नंबर बी इसका जो है कि सही ये वाला अलग है सबसे। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई के जैसा इसके अंदर बना है ना, तो यहाँ पर एक बिंदु है काला वाला, तो इसके बीच में है। बट जबकि इसमें इसके इस साइड है, इसके भी देखिए बीच में है, इसके भी बीच में है, तो ये वाला अलग है इन तीनों से। तो प्रश्न नंबर 51 का बी वाला बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 52 में हमारा कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर अगर हम 52 की बात करें तो प्रश्न नंबर 52 में हमारा जो है कि डी वाला सही है। डी वाला इसलिए सही है क्योंकि आप सभी यच को देखिए, ये सब डबल पाही गया है और एक बीच में ऐसे पाही गया है, जबकि ये सब ऊपर के साइड में बना है, बल्कि ये वाला जो है कि बीच में बना है, एकदम बराबर बराबर साइज के पाही में बना है, इसलिए ये वाला बिल्कुल सही होगा। ये भी आपको जो कि आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर हम प्रश्न नंबर 53 की बात करें तो प्रश्न नंबर 53 में हमारा कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 53 में हमारा जो है कि सही होगा सी वाला। आप देख सकते हैं सभी जो है कि बहुत बड़ा है, ये सब आकृति इनका जो है कि बहुत विशाल है, बड़ा है, इनका भी देख सकते हैं बड़ा है और इसका भी बड़ा है इसका, जबकि सभी से छोटा है, इसलिए सी वाला अलग है और सही है। और अगर हम प्रश्न नंबर 54 की बात करें तो प्रश्न नंबर 54 में हमारा कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 54 में हमारा जो है कि कौन सा सही होगा? ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर डी वाला हमारा जो है कि सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आप इसका ऊपर आकृति देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 आकृतियाँ हैं, जबकि इन सब में 4-4 आकृतियाँ हैं, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। यानी इसके ये जो ऊपर वाला भाग है, इसको भुजा बोलिए या फिर आकृति, आप जो कुछ समझना है समझिए, इन सब में जो है कि 4 है, लेकिन इसमें जो है कि है 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें जो है कि 5 है, इन सब में 4 है, इसलिए ये वाला डी वाला जो है कि बिल्कुल सही है। और अगर हम प्रश्न नंबर 55 की बात करें तो प्रश्न नंबर 55 में ही हमको ऐसे ही मालूम चल जा रहा है कि प्रश्न नंबर 55 में सी वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि इन सब में जो आकृतियाँ हैं वो बंद आकृतियाँ हैं, इन सब में जो आकृतियाँ बनी हुई हैं बंद आकृतियाँ हैं, बल्कि इसमें जो बना है ये खुली हुई आकृति है, इसलिए इन सबसे ये वाला जो है कि बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको इतना प्रश्न जो कि समझ में आ चुका होगा, जो समझ में नहीं आता है अब हमें कॉमेंट में जो कि पूछ सकते हैं। चलिए, गुड बाय।